हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 27। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, अ 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई, डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड कनेक्टेड टू द अनादर अनचार्ज 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहाँ पर हमारे पास में सिंपल सा लॉजिक है हीट लॉस का, ओके। और अगर हमारे पास दो कैपेसिटर, जैसे एक कैपेसिटर हमारे पास में है जो हमने इनिशियल चार्ज किया था 20 वोल्ट से, सॉरी 200 वोल्ट से, जिसका कैपेसिटेंस है हमारे पास 4 माइक्रोफेराड, और इसको हमने कनेक्ट किया है एक अनचार्ज कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेराड, ओके। तो अगर हम यहाँ पर देखें C1 का वैल्यू 4 माइक्रोफेराड यहाँ पर गिवन है, और C2 का वैल्यू अगर हम देखें तो वो है 2 माइक्रोफेराड, ओके। अगर हम V1 की बात करें तो यहाँ पर 200 वोल्ट गिवन है, और अगर हम V2 की बात करें तो वो अनचार्ज था तो 0 वोल्ट गिवन है। अगर हम एनर्जी लॉस की बात करें, ओके, एनर्जी लॉस की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमारे पास सिंपल डेल्टा यू का फार्मूला है, दैट इज़ इक्वल टू 1/2 C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2 इंटू V1 - V2 होल स्क्वायर, ओके। तो डेल्टा यू इज़ इक्वल टू 1/2 C, C1 का वैल्यू कितना है 4, C2 का वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय C1 + C2, मतलब 4 + 2, पर ये सारे माइक्रोफेराड में था तो (10⁻⁶) का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में भी 10⁻⁶ आएगा जो कैंसिल होके ऊपर जो C1 × C2 का 10⁻½, अल्टीमेट हमारे पास 10⁻⁶ बचेगा 400। यहाँ पर V1 का वैल्यू 200 है -0, V2 का वैल्यू 0 है होल स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 एज इट इज़, ऊपर मिलेगा हमको 8, नीचे मिलेगा 6 × 10⁻⁶। इसे हम कैंसिल करेंगे और ये हो जाएगा 4 × 10⁴, ओके। अगर 200 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 10⁴, या फिर हम 40,000 लिख सकते हैं। इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। इसे हम फिर से 2 से कैंसिल करेंगे तो ऊपर हमको मिलेगा 2/3 × 4 × 10⁻², ओके। इनको सॉल्व करेंगे 10⁻², मिलेगा ना, तो हमको मिलेगा 8/3 × 10⁻², जूल। आंसर किस में होगा? जूल में होगा। तो ये हमारा आंसर है।